कोलकाता के हो चिनमिन सारनी स्थित ICCR सभागार में कॉस्मो आर्केड नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्चिंग समारोह आयोजन किया गया। इस ग्रैंड लॉन्चिंग समारोह के अवसर पर विधायक शंकर घोष, माकपा के महासचिव मोहम्मद सलीम, प्रदेश भाजपा के सचिव प्रियंका तिब्रेवाल समेत अन्य कई विशेष अतिथिगण उपस्थित रहे। एप्लीकेशन लॉन्चिंग के मौके पर कॉस्मो आर्केड के प्रबंधक निदेशक संजय सरकार ने कॉस्मो आर्केड ऐप के लॉन्चिंग समारोह में आमंत्रित सभी अतिथि का स्वागत किया। मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं संजय सरकार को देना चाहूंगी जो इस नए कॉन्सेप्ट को कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में लॉन्च कर रहे हैं, जिससे घर बैठे बैठे लोग जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से वेरियस कॉस्मेटिक्स है, प्रोडक्ट्स है, अलग अलग ब्रांड्स के घर पे ही उसे खरीद सकते हैं। उसके लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कोविड पीरियड में ऑनलाइन का जो कंसेप्ट है, जो चलन है, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और जो घर में औरतें रहती हैं या काम की व्यस्तता के लिए बाज़ार नहीं जा पाती, अब उनको ये सारी सुविधा जो है घर बैठे मिल सकती है। आप बाज़ार जाते हैं तो 10 चीज़ें देख करके उनके दाम देखना वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉस्मेटिक्स में, लेकिन ऑनलाइन में वो सारी चीज़ें जो है आपको एकदम क्लियरली दिखती हैं। प्रोडक्ट्स के साथ उनके दाम लिखे रहते हैं, आप उनको चूज़ करके अपनी बास्केट में इकट्ठा करके वहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और जैसे अगर कोई कॉस्मेटिक्स आपके तुरंत ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए आपके पास समय नहीं है बाज़ार जाने का, चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो, कुछ भी, तो आप इमीडिएटली ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा है घर में जो औरतें हैं उनके लिए भी। देखिए, ऐप का नाम है कॉस्मो आर्केड, इसके माध्यम से आप कोई भी कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हैं वुमेंस का भी। हम लोग 6 महीना बाद इसमें जेंट्स में भी इसको इनपुट करेंगे। हम लोग डिलीवरी चार्जेस फ्री है। इसके अलावा और क्या है? हम लोग कुछ USP है, जैसे 500 to 1000 हम लोग का गिफ्ट कूपन है, कोई भी आप क्लिक करो ना उसमें गिफ्ट कूपन चल रहा है। और कुछ स्कैन कोड चल रहा है, वो अभी हम लोग 2 महीना बाद स्कैन कोड चालू करेंगे, जो करने से 50 रुपया मिलेगा। सब तो ब्रांडेड है ना, तो उसके ऑथेंटिसिटी के लिए कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। नहीं, पूरा पैन इंडिया के लिए, पैन इंडिया, लेकिन फिर भी हम लोग अभी 4 सिटी को 4 मेट्रो को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। बेंगलोर है, हैदराबाद है, जयपुर है, बंगाल है। हाँ, आज ही टुडे তো এটার ক্ষেত্রে যেটা আমি আশা রাখবো যে 6টি ব্র্যান্ড যুক্ত হয়েছে, এরপরে আরও ব্র্যান্ড যুক্ত হবে, যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এটা আরও এক্সপ্যান্ড করবে এবং যারা কসমেটিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সুযোগ। পুরো বিশ্বে আজকাল অ্যাপ বেসডই কাজ হো রা হ্যায়, और ख़ास करके लॉकडाउन के बाद तो ये देखा गया कि नया टेक्नोलॉजी में लोग दूरी बनाए रखने की बात की जा रही है, लेकिन कारोबार तो चलेगा ही। और हमारे यहाँ, हमारे देश में भी बहुत बड़ा स्कोप है। हम सॉफ्टवेयर में बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को IT को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना या मार्केटिंग करना, इसमें बहुत ही हमारे दुश्वारी है। और हम समझते हैं संजय सरकार बहुत एंटरप्राइजिंग यंग है, उसको मैं यूथ की जमाने से पहचानता हूँ। वो बिजनेस सही ढंग से अगर कर पाएगा, और इसके लिए बाज़ार बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए ऐप बेस इसलिए होता है कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम है, एक जगह से दूसरे का जाने का जो खर्चीला है, जिस तरह से फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है, और जो क्लाइमेट्स है उससे लोग समझते हैं, खास करके महिलाएं, और महिलाएं चूँकि आजकल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनका बढ़ रहा है कामकाज, कारोबार में, शिक्षा में, तो उतना समय कहाँ है कि जहाँ जाके बाज़ार में ढूंढ ढूंढ के जाके वो सामान खरीदेंगे, इसलिए वो अपने फिंगर पॉइंट्स में खरीदने की कोशिश करते हैं। और वो विदेशी कंपनी आकर के ये कारोबार लेके चला जा रहा है, वहाँ अगर हमारे देसी कंपनी अगर लोकल एंटरप्रेन्योर का ये काम करता है तो हम उसे हमेशा उत्साहित करते हैं, हम उसको सफलता चाहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। We'll be right back.
Can I request them to please make an oval shape? बदलते दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मांग को ध्यान में रखते हुए ब्यूटी प्रोडक्ट को इस ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। Can I request you to please make an oval shape?